नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग जानते हैं एक विशेष जानकारी को, जो साधारणतः बहुत कम आदमी के पास ये जानकारी होता है कि एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर है, वकील और अधिवक्ता में क्या अंतर होता है, वकील क्या है, अधिवक्ता क्या है, प्रोसिक्यूटर क्या है, सोलिसिटर जनरल क्या है, ये सारी बात आज हम लोग जानेंगे। एडवोकेट जनरल क्या है, प्लीडर क्या है, ये सारी चीज़ को हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले तो ये जो हम बताए, ये सारे के सारे LLB होल्डर होंगे। LLB मतलब हो गया कि जो विधि से स्नातक किया है, यानी लॉ से ग्रेजुएट हुआ है, वो LLB होल्डर हुआ। जो आदमी LLB कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, बोथ आर लॉयर, वो दोनों क्या कहलाएंगे? वकील कहलाएंगे। ठीक है, जो LLB कर रहे हैं और जिनका कंप्लीट भी हो चुका है, वो वकील कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही आदमी जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं और वहाँ से लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, तो ये हो जाते हैं एडवोकेट। हमको लगता है शायद बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। यही LLB होल्डर आदमी जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये हो जाते हैं एडवोकेट। एडवोकेट का हिंदी होता है अधिवक्ता, यानी अधिवक्ता का मतलब हो गया आधिकारिक रूप से जिनको अधिकार दिया गया है, किसी पक्ष को रखने का उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो कोर्ट में जाके उनका पक्ष भलीभांति रख सकते हैं। दूसरी बात है कि बैरिस्टर क्या होता है। यही LLB की डिग्री जब आप इंग्लैंड से प्राप्त करते हैं, तो आप बैरिस्टर कहलाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो LLB परसुइंग था, मतलब हो रहा था, LLB हो गया, वो हो गया वकील। उसके बाद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया, वो हो गया आपको एडवोकेट। और यही LLB डिग्री जो इंसान, जो व्यक्ति इंग्लैंड से करेगा, वो हो जाएगा बैरिस्टर। आई होप बहुत बढ़िया ढंग से आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, जिसका हिंदी होता है लोक अभियोजक। ठीक है, यही LLB होल्डर आदमी जो एडवोकेट हैं, ऑलरेडी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर जिस भी रूप में है बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्वालिफाई कर चुके हैं, ये गवर्नमेंट के तरफ से विक्टिम का पक्ष रखते हैं, पीड़ित व्यक्ति का जो पक्ष रखे, ठीक है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, लोक अभियोजक होगा। समझ गए होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, पीड़ित का जो पक्ष रखे वो लोक अभियोजक होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं प्लीडर। यही व्यक्ति जो डिग्री होल्डर है, जो एडवोकेट है, ठीक है, सबका क्वालिफिकेशन तो वही हुआ, सिर्फ कंडीशन ये हुआ कि लॉयर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, बाकी सब उसे क्वालिफाई करते हुए आ रहा है। तो हम लोग समझ गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, अब समझेंगे प्लीडर क्या होता है। अब देखिए, वहाँ जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित का पक्ष रखने वाला आदमी क्या हो गया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो है वो आया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये प्राइवेट पक्ष को रखने वाला, यानी दूसरे पक्ष को रखने वाला, अगर प्राइवेट रूप से एंट्री लेता है, ये हो जाता है प्लीडर। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखता है, वो हो जाता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, जो व्यक्ति इसी में से व्यक्ति राज्य सरकार का पक्ष कोर्ट में आके रखे, वो हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, यही स्थिति में जो व्यक्ति केंद्र सरकार का पक्ष रखेगा, वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी। एडवोकेट जनरल का मतलब क्या हो गया? महाधिवक्ता। ये क्या हो गया? महान्यायवादी। बिल्कुल क्लियर। इसी का जो असिस्टेंट होंगे, अटॉर्नी जनरल का जो असिस्टेंट बनेंगे, वो हो जाएंगे सॉलिसिटर जनरल। आई होप बहुत बढ़िया ढंग से लॉयर, एडवोकेट, प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को समझ गए होंगे। इसी तरह से अच्छा अच्छा यूनिक चीज़ हम लेके आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको नया क्या जानना है। धन्यवाद।